गुड मूड में नहीं है तो मुझे ऐसा लग रहा है भाई ये झटके ले रही है। हेलो वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सभी, होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारे पास है अपनी RTR Apache 164V और NS125 Pulsar NX 125। तो दोनों ही अपनी सेगमेंट की अच्छी बाइक्स हैं। पल्सर NS125 बहुत ज़्यादा डिमांडिंग बाइक है भाई 125cc के हिसाब से, और अपाचे 164V ये भी बहुत डिमांडिंग बाइक है अपने हिसाब से। तो हमने सोचा कि ना आज इन दोनों में एक ड्रैग रेस करी जाए, कैसे परफॉर्मेंस रहती है। 125cc इंजन कम है बट कोई नहीं, पावर बहुत है इसमें। 160cc ऑफिस पता ही है, 160 ज़्यादा है भाई 125 से, तो 160 ही जीतेगी। पर फिर भी हम करा के देख रहे हैं कि देखो किसकी परफॉर्मेंस बढ़िया रहती है, पल्सर में पावर है या नहीं है 160 को टक्कर देने के लिए। वरना सीधी तो पता ही है 160 जीती जाएगी, क्योंकि भाई 160cc में और 125cc में बहुत 35cc का अंतर होता है। तो देखते हैं, चलो पहले चलते हैं नोएडा एक्सप्रेस वे पे, देन भगाएंगे, क्योंकि भाई ऐसे भगाना नॉर्मल, हम उसके बगल में ही हैं, वहीं पे शूट कर रहे हैं। सो भाई कराते हैं पल्सर NS। ओ भाई ये देखो भाई साउंड, मतलब ये अलग ही भाई साउंड का फील है। देन तो कराते हैं रेस 125 में और 160 में, ऑफिशियली पता है कि वो जीत जाएगी, बट नहीं फिर भी हम हार नहीं मानेंगे। देन एक बात और बता दूं, देखो भाई 125cc तो है बट इसमें भी भाई 5 गियर हैं और उसमें भी भाई 5 गियर हैं, तो भाई मतलब इतना गियर्स का तो कोई फ़र्क नहीं है जैसा कि R15 और MT में हो जाता है कि उनमें 6-6 गियर आते हैं, बट दोनों में 5 हैं तो इतनी ज़्यादा वो नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं। सो हम आ चुके हैं यहाँ नोएडा एक्सप्रेस वे पे, देन हमारे साथ उदित राइडर और पल्सर 125 को वो चलाएंगे, मैं अपनी 160 को ही चलाऊंगा भाई। तो चलिए करते हैं शुरू, तो करते हैं शुरू, पहले गियर में ही है, आगे रहेंगे भाई। मुझे लगता है उनको स्टार्ट अच्छा नहीं मिला शायद। एक छोटी रेस हो रही है NS125 अपाचे 160 4V, देखते हैं जीत पाते या नहीं। बट भाई हम अपनी को यार स्पोर्ट मोड में कर लेते हैं। अरे यार नहीं, अपनी स्पोर्ट मोड की वजह से नहीं बहन, अब चलेंगे ज़्यादा आगे तो नहीं जाने देंगे, कोई मतलब ही नहीं बनता भाई। कोशिश तो पूरी है पर चलो देखते हैं। भाई ये स्पोर्ट्स मोड में नहीं है तो निकल गई है अपाची पर कोशिश पूरी है। भाई ये स्पोर्ट्स मोड में नहीं है तो मुझे ऐसा लग रहा है भाई ये झटके ले रही है। नहीं निकलेगी भाई, नहीं निकलेगी। अपन जीत जाएंगे, जीत जाएंगे। कोई जीत गई है, कोशिश पूरी थी। चलो कोई ना, नेक्स्ट टाइम।
भाई बहुत ही अच्छी रेस यार, मतलब 125 ने फिर भी काफी अच्छी टक्कर दी है। शायद उनका स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ था, देन हमारा अच्छा हो गया था, बट हमने मूड के चक्कर में थोड़ी ऐसी कर दी, पर कोई नहीं, फिर भी भाई काफी अच्छी रेस रही। सो आपने देखा कि NS 125 और RTR Apache 160 4V में से देन 4V जीत चुकी है, जो कि भाई पावरफुल बाइक भी है, बट ये NS 125 भी भाई काफ़ी अच्छी पकड़ में रही। अगर NS 200 होती तो शायद वो जीत जाती, क्योंकि भाई उसमें पावर है, इसमें 125 के हिसाब से इसमें भी सही पावर है, देन दोनों में सिमिलर सा ही रहा, थोड़ा बस 100-150 मीटर का फ़र्क रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें देन, और आप कमेंट कीजिए कि आपको नेक्स्ट बाइक रेस ड्रैग रेस किसकी चाहिए। तो मिलते हैं।